ये तिलापिया है क्या? मच्छी भी शाइन करने लग गई, देखो एकदम चमक रहा है, देखो साफ हो गए मस्त। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तिलापिया फिश करी। पहले भी हम लोग ने वीडियो डाले है चैनल पे तिलापिया फिश करी का, बहुत सारे फिश करी का वीडियो डाले है, आप जाके वीडियो देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यू विल एंजॉय ऑल दी रेसिपी। इसका मसाला मैं आपको बताता हूँ, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, यह 1/2 टीस्पून कुटा हुआ मिर्ची है, 1/2 टीस्पून जीरा मेथी, ये रोस्टेड जीरा पाउडर है ये भी 1/2 टीस्पून है, और टर्मरिक पाउडर ये भी 1/2 टीस्पून है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1/2 टीस्पून, एक टमाटर है, एक प्याज है, टैमरिन वाटर, ये 1/2 कोकोनट मिल्क है जो हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किए, और ये तिलापिया फिश है जो हम लोग ऑलरेडी क्लीन कर दिए अच्छे पानी से। दैट्स इट, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो हम लोग हर फिश करी पे है ना नारियल का दूध हम लोग डालते ही है, क्योंकि नारियल का दूध डालने से फिश करी पे ना फिश करी का टेस्ट और भी मज़ा आ जाता है। नारियल का दूध को एक्स्ट्रा कैसा करते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। पहला काम हम लोग ये करेंगे, टमाटर प्याज और ये पूरा मसाला पाउडर को हम लोग मिक्सर में अच्छे से पहले पीस के लेंगे, इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे फर्स्ट स्टेप, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। साथ में हम लोग इसका मसाला पाउडर भी डाल देंगे। तो पानी ऐड करेंगे कि नहीं? पानी तो ऐड थोड़ा करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, इसके लिए बोला क्योंकि इसमें टमाटर का और प्याज का भी जूस निकलेगा ना, थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं। मोस्टली हम लोग जो फिश करी बनाए हम लोग ने इस तरीके से बनाए, एकदम थोड़ा, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि वो जरा अच्छा से स्मूथ हो जाए, इसके लिए आप भी अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिए। देखो तिलापिया फिश करी का मसाला अच्छे से बन चुका है, इसी तरह से हम लोग हर फिश करी का मसाला पेस्ट इसी तरह से बनाए। ऑयल अपने हिसाब से लीजिए, देखो मैंने 3 चम्मच डाली हूँ तेल, आपके हिसाब से आप लोग डालना। ये तेल अच्छा गर्म होने के बाद मैं राई जीरा डालूंगी। देखो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, राई जीरा, कड़ी पत्ता और मसाला एक साथ में, जैसा हर फिश करी में करते हैं वैसे इसको भी मसाले को अच्छे से भून के लेना है। मसाला अच्छा भुनने के बाद में फिर हम लोग डाल देंगे तिलापिया फिश। देखो मसाला डाली हूँ, ये मसाले का पानी पूरा मैंने धो के वो भी मैं साथ में डाल रही हूँ, मसाले को अच्छे से भुनना चाहिए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, इसका तरी निकलने के बाद फिर इमली का पानी डालेंगे, इमली का इसके बाद में फिर हम लोग नारियल का दूध डालेंगे, नारियल का दूध डालेंगे। सॉल्ट अपने हिसाब से ऐड कीजिए, नमक हमेशा जरा कम ही खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए नमक। A few moments later, मसाला हो गया भून के? हो गया अच्छे से भून के हो गया। हाँ अच्छे से भून के हो गया, और खट्टा डालो, उसके बाद नारियल का दूध डालो। डालो? हाँ डाल दे। इमली का पानी, अभी कोकोनट मिल्क। देखो कोकोनट मिल्क डालने से फिश करी का कलर क्या मस्त हो जाता है, एक नंबर ब्यूटीफुल। जैसा ही अभी बॉईल होएगा फिर हम लोग मच्छी डालेंगे ना? हाँ। अभी मच्छी डालेंगे, पानी थोड़ा भी नहीं डालेंगे, यही सब कुछ पानी। हाँ। हम लोग ने जरा भी ऐड नहीं किया इसमें, इमली का पानी है और नारियल का दूध है, दैट्स इट। अच्छा बॉईल होने के बाद में हम लोग फिर तिलापिया फिश हम लोग इसमें ऐड करेंगे। हाँ। बराबर अम्मा? हाँ, ओके। बॉईल होने के बाद में मच्छी डालेंगे। A few moments later. Wow. इसका बॉईल हो गया ना फर्स्ट क्लास, अच्छे से बॉईल हो गया। अभी मच्छी डालेंगे, अभी मच्छी डालेंगे तिलापिया फिश। इसको 5 मिनट पकाऊंगी। 5 मिनट बस हो गया? बस मच्छी है ना, ये 5 मिनट के बाद में मच्छी का सालन तैयार हो जाएगा। बॉईल होना चाहिए लेकिन
तो हो जाएगा ना 5 मिनट में, मच्छी भी पक जाएगा, बॉईल भी हो जाएगा। एक ही बार ऐसा है ना, जो कच्चा मच्छी रहता है तो अच्छे से इसको मिक्स करके छोड़ देने का, बस कवर करना है ना अभी। हाँ, कवर तो करेंगे ना, पूरा कवर नहीं करेंगे, ये तो उबल जाएगा सालन, बस इतना हाफ, बस इतना हाफ, इतना हाफ। 5 मिनट्स लेटर, देखो 5 मिनट हो चुका है, दैट्स फाइन। हम लोग का तिलापिया फिश करी बन के रेडी हो गया। गैस बंद कर रही हूँ। गैस बंद कर दो। प्लीज कमेंट बिलो, आपको तिलापिया फिश करी का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमको जरा मोटिवेट मिलेगा। देखो मेरी बहन का चालू हो गया कोरिएंडर का, ये कोरिएंडर इतना डालती है मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, इतना कोरिएंडर। अभी तो जरा कम है, मैं बोलने से जरा कम हो गया, तो हर इसमें कोरिएंडर ही रहता है, लेकिन कोरिएंडर से जरा अच्छा लगता है। ठीक है, इट्स लुक्स वेरी गुड। मच्छी का सालन कैसा बना है आप लोग कमेंट में जरूर लिखना, ये कैसा बना है। देखो तिलापिया फिश करी इतना ब्यूटीफुल, इतना मस्त बना है, एक नंबर खतरनाक बना है, जबरदस्त बना है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी, मजा आएगा आपको। प्लीज कमेंट बिलो, आपको तिलापिया फिश करी का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो सब्सक्राइब का बटन को जो स्मैश कीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कीजिए, और ALL जो लिखा है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो का। देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।